बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम यू ऑल टू द फर्स्ट सेशन ऑफ वीक थर्ड। हमारे इस वीक का जो एजेंडा है मोस्टली वो हमने डिस्कस करना है। ये जो टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन है, डार्ट के कुछ एडवांस टॉपिक्स जो हैं, डार्ट लिस्ट और उसके जो हेल्पर फंक्शंस हैं, सही है, उसमें जो है ना इटरेशन सर्च करना, लिस्ट के अंदर फिल्टरिंग करना, मैपिंग उसकी, उसके अलावा जो है ना एसिंक्रोनस एंड फ्यूचर एंड अवेट एसिंक फंक्शन जो है उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो डेटा मॉडल कंसेप्ट और उसका जो बेसिक आर्किटेक्चर है हमारे एप्लीकेशन का, वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, सही। साथ में जो हम प्रैक्टिकली काम करेंगे, लास्ट टाइम हमने यूआई पे काम स्टार्ट किया था म्यूजियम ऐप का, जो कि हमने कंप्लीट नहीं किया था, दरमियान में छोड़ दिया था उसको, तो उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम आएंगे और यहाँ पर जो बाकी टॉपिक्स हैं उसको भी साथ साथ डिस्कस करेंगे, सही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं अपना यूआई, उसको फर्स्ट कंप्लीट करते हैं एंड देन आफ्टर दैट वील गो अहेड एंड डिस्कस द रिमेनिंग टॉपिक्स, सही। तो ये हमारा था यूआई, हमने बनाना था म्यूजियम एप्लीकेशन जिसका यूआई हम दोबारा से निकाल लेते हैं यहाँ से। हमारा इस वीक का जो मेन गोल है वो जो यूआई के बैकएंड पे जो सिस्टम चलता है, जो आर्किटेक्चर चलता है, वो सारा काम कैसे करेगा। लेट सपोज हमारे पास डेटा मॉडल्स हैं, उसको आप कैसे आपको कैसे यूज करना चाहिए, सही है। मोस्टली हमारा यहाँ पे होता ये है कि यूनिवर्सिटी से हमारी इतनी इम्प्रूव नहीं होती प्रोग्रामिंग, और स्पेशली जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो उसमें फिर हमारे लिए बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो थोड़ा बहुत उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए। हियर इज द लिंक, ओके लेट मी फर्स्ट फाइंड आउट लिंक टू दिस। ओके सो ये एप्लीकेशन था जो कि हमने बनाना था, इसका जो लॉगिन स्क्रीन था वो हम बना चुके हैं, और जो होम स्क्रीन है उसको भी हम आज इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि उसको हम कंप्लीट करेंगे, सही। सो दिस इज द होम स्क्रीन ऑफ दिस एप्लीकेशन। तो इस स्क्रीन को हमने कंप्लीट करना है यहाँ पर। हमने एग्जैक्टली पिक्सल परफेक्ट ये डिजाइन नहीं बनाना, बट आपको जस्ट वो यूआई का जो लेआउट है वो समझाना है, सही है। इस डिजाइन को हम पिक्सल परफेक्ट भी बना सकते हैं, बट उसके लिए हमें ये डिजाइन XD में चाहिए होगा, एंड राइट नाउ एट द मोमेंट वी डोंट हैव दिस डिजाइन इन XD। सो मे बी लेटर ऑन जो बाकी वीक्स हैं उसमें एक प्रोजेक्ट हम ऐसा करेंगे जिसमें हम XD को यूज करें प्रॉपरली, ताकि आप लोग उस चीज का भी आइडिया हो जाए। तो हमारे पास इसमें जो सेक्शंस थे वो हमारे यहाँ पे जो है ना टॉप का ये जो बार है, यहाँ ये जो रो है उसमें सिटी का नाम था, और उसके साथ साथ जो है ना मैप का आइकन है, उसके बाद सर्च बार है, उसके बाद हमारे पास हॉरिजॉन्टल लिस्ट व्यू था, सही है, टॉप विजिटेड प्लेसेस का। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन था वो था न्यूज एंड एग्जीबिशन का, सही। तो अब हम न्यूज एंड एग्जीबिशन की तरफ आएंगे, जो कि हमारे पास वर्टिकल लिस्ट व्यू है, उसको हम देखेंगे और उसको हम अभी दोबारा से डिजाइन करेंगे, क्लियर। तो हम आते हैं इस टॉपिक की तरफ, न्यूज एंड एग्जीबिशन का जो टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं और उसको बनाते हैं। तो अभी तक हम ये डिजाइन बना चुके हैं, हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लिस्ट व्यू था वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, अभी हमने बनाना है वर्टिकल लिस्ट व्यू। सो उसके लिए हम थे होम स्क्रीन पे, सो दिस इज आवर होम स्क्रीन। सो दैट वॉज अवर हॉरिजॉन्टल लिस्ट व्यू, सही, जो कि ऑलरेडी बन चुका है। अब हमने बनाना है वर्टिकल लिस्ट व्यू। तो वर्टिकल लिस्ट व्यू के लिए हमने क्या करना है, लिस्ट व्यू करेंगे,
अच्छा लिस्ट व्यू के हमारे पास मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हैं, तो इंशाल्लाह उसको मैं डिस्कस करूंगा बाद में जब हम एक्चुअल डेटा उठाएंगे डेटाबेस से, तो फिर वहां पर इसके एक और कंस्ट्रक्टर है लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, उसको भी हम यूज करेंगे, और उसका मैं आपको फिर पर्पज भी बता दूंगा कि उसका एक्चुअल पर्पज क्या है। सही। अच्छा जो आपके पास लिस्ट व्यू हो उसमें आप लोगों ने श्रिंक रैप जरूर रखना है, श्रिंक रैप अगर आप नहीं रखते तो फिर ये हमारे पास सिस्टम को अंदाजा नहीं होता कि इस लिस्ट का जो है ना वो एक्चुअल लेंथ क्या है, क्योंकि लिस्ट भी है, लिस्ट भी हमारे पास अनलिमिटेड आइटम्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर उसको श्रिंक रैप रखना जरूरी होता है। एंड इसका जो स्क्रॉल डायरेक्शन होता है वो बाय डिफॉल्ट वर्टिकल होता है, यहाँ पर हमने हॉरिजेंटल किया था। सही है, हॉरिजेंटल लिस्ट व्यू के लिए। तो राइट नाउ स्क्रॉल डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट हॉरिजेंटल है, सॉरी वर्टिकल है, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। नाउ अब हम आते हैं चिल्ड्रंस की तरफ, इसके चिल्ड्रन कितने होंगे उसको हम देखते हैं। चिल्ड्रन अच्छा अब ये जो लिस्ट व्यू है इसके चिल्ड्रन का अगर हम डिजाइन थोड़ा देख लें, तो ये हमारे पास का ये डिजाइन है, ये चिल्ड्रन का डिजाइन है। ये हमारे पास जो है ना यहाँ पर एक इमेज है लेफ्ट पे, सही है, और उसके बाद हमारे पास दो टेक्स्ट व्यूज है वर्टिकली, बल्कि तीन दो टेक्स्ट व्यूज है, उसके बाद हमारे पास एक रो है जिसमें एड्रेस और एक आइकन है, और फिर हमारे पास यहाँ पर ये जो आइकन है बुक मार्क आइकन है हमारे पास। सही, तो ये सेम डिजाइन अभी हम बनाते हैं। सो बिफोर गोइंग टूवर्ड लिस्ट व्यू, फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये डिजाइन बना लेता हूँ, और फिर हम इसको यहाँ पर लिस्ट व्यू के अंदर यूज कर लेंगे। सही है, तो अगर उस डिजाइन को हम देख लें, वो हमारे पास ये एक्चुअली रो ऑफ मल्टीपल आइटम्स है हमारे पास, रो का एक आइटम ये है, एक आइटम हमारे पास ये बन रहा है, और एक आइटम उसका ये बन रहा है। क्लियर। सो हम लेंगे एक रो, सही, एंड एंड आफ्टर दैट रो के चिल्ड्रन में हमारे पास क्या क्या है, रो के चिल्ड्रन में हमारे पास एक जो है ना एक इमेज है, एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक कॉलम ऑफ टेक्स विजिट्स हैं। सही है, कॉलम ऑफ टेक्स विजिट्स हैं, एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आइकन है। सही है, बुकमार्क का जो आइकन है, बुकमार्क आइकन। सही, तो ये हमारे पास इस रो के अंदर एक लिस्ट टाइल के अंदर ये सारे मौजूद हैं। सही है। अच्छा अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इमेज यूज करूंगा, तो फॉर नाउ इमेज यूज करने के बजाय मैं जस्ट एक कंटेनर यूज करता हूँ समझाने के लिए आप लोगों को, कंटेनर, एंड इसका मैं विड्थ रखता हूँ, विड्थ इसका 100 एंड हाइट इसका रखते हैं लेट्स सपोज 200। सही, एंड इसका हम कलर देते हैं कलर कलर डॉट, इसको मैं कर देता हूँ कलर और ग्रीन करता हूँ फॉर टाइमिंग। सही, तो हमारे पास यहाँ पर एक लिस्ट व्यू आ गया है। सही है, कुछ ज्यादा ही सही है, अभी फिट है। तो हमारे पास ये था फर्स्ट, यहाँ पे इसको मैं कुछ थोड़ा सा साइज बॉक्स एंड हाइट इक्वल्स टू लेट्स सपोज को रखते हैं 40। अच्छा तो ये हमारे पास हो जाएगा इमेज। सही है, अब इमेज के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन है वो क्या होगा, ये था हमारे पास इमेज। दूसरा जो सेक्शन है उसमें हमारे पास एक कॉलम है, और कॉलम के अंदर हमारे पास तीन तीन और विजेट्स हैं। एक हमारे पास ये ग्रीन कलर का जो टेक्स्ट है ये है जिसमें डेट आ रहा है, एंड उसके बाद हमारे पास उसका डिस्क्रिप्शन है, सॉरी टाइटल है इवेंट का और एग्जीबिशन का, एंड इसके बाद हमारे पास उसका एड्रेस है मुझे, तो ये तीन आइटम हैं उसके अंदर। तो हम यहाँ पर एक कॉलम यूज करेंगे, एंड उसके चिल्ड्रन में आएंगी हमारे पास तीन टेक्स्ट विजिट्स हैं, बल्कि दो टेक्स्ट विजिट्स हैं, उसके बाद एक हमारे पास आइकन है। इसको मैं डायरेक्टली यही रख लेता हूँ, 8 मार्च 2020।
ओके 8 मार्च 2020 एग्जीबिशन बिल्डिंग देन एंड नाउ। बिल्डिंग देन एंड नाउ एंड उसके बाद हमारे पास एक आइकन है और आइकन के साथ हमारे पास कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे रो चिल्ड्रन यहाँ पर हमारे पास है आइकन पिन ड्रॉप एंड उसके बाद हमारे पास है एक टेक्स्ट विजिट। लेट्स मूव करते हैं ट्रिपल 0। सो दिस इज अवर बेसिक डिजाइन। सही है तो ये हमारा वो बेसिक डिजाइन है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है यहाँ पर हमारे पास एक आइकन है। सही है ये चीजें हम दोबारा से फाइनल करते हैं फर्स्ट एंड उसके बाद फिर हम सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन पूरे डिजाइन को फाइनल करते हैं उसके बाद इसकी जो अलाइनमेंट है वो सारा ठीक कर लेंगे। अच्छा जो नेक्स्ट स्टेप था वो हमारे पास एक बुक मार्क आइकन है। सही है बट अगर आप बुक मार्क आइकन देख लें यहाँ पर जो बुक मार्क आइकन है ना इसका बैकग्राउंड जो है बिल्कुल व्हाइट है। सही है इसका हल्का सा व्हाइट बैकग्राउंड है और उस राउंडेड से राउंडेड बॉर्डर से है उसकी। अगर आपको नजर नहीं आ रहा अगर आप ये एक्चुअल डिजाइन का जो लिंक है ना इस पर चले जाए तो उसका बैकग्राउंड हमारे पास थोड़ा सा व्हाइट है तो उसके लिए मैं कंटेनर यूज करूंगा। डेकोरेशन इसको दे देते हैं बॉक्स डेकोरेशन कलर इसका हम कर देते हैं कलर.व्हाइट एंड उसके बाद कलर इसका हो गया है। सो इसके बॉर्डर है बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर उसको हम कर देते हैं लेट सपोज 8 एंड इसको हम विड्थ एंड हाइट भी देते हैं क्योंकि उसकी फिक्स एंड विड्थ एंड हाइट है। सही है तो ऐसे केसेस में आप लोग फिक्स विड्थ एंड हाइट यूज कर सकते हैं। विड्थ मैं कर देता हूँ इसका 20 एंड हाइट भी इसका 20। हाँ 20 थोड़ा कम होगा 40 40 कर देता हूँ। सही है बट वो अगर आप देख लें लेफ्ट साइड पे बिल्कुल हमारे पास ओवरफ्लो हो रहा है और उसकी वजह जो है ना वो ये टेक्स्ट विजिट है जो यहाँ पर मौजूद है ये एग्जीबिशन बिल्डिंग एंड देन एंड नाउ। सही है तो इसको एडजस्ट करने के लिए आप लोगों को मैंने एक तरीका बताया था वो था फ्लेक्सिबल विजिट का कि फ्लेक्सिबल विजिट हम कहाँ पे यूज करेंगे। अच्छा वो बाहर जा रहा है। सही है वो स्टिल ओवरफ्लो हो रहा है यहाँ से इसको एडजस्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस तरह करते हैं कि ये जो कॉलम है इसको हम एक फिक्स्ड साइज दे देते हैं। ओके लेट्स बैक ट्रैक बैक सही तो वो जो टेक्स्ट विजिट था वो ओवरफ्लो हो रहा है साइड पर। अब हम करते हैं क्या है इसको हम एक फिक्स विड्थ दे देते हैं बट फिक्स विड्थ में एक मसला है वो ये है कि अगर आपका डिजाइन चेंज होता है तो फिर मसला बनेगा आपके लिए। तो एक्सपेंडेड भी पॉसिबल है हमारे पास बट एक्सपेंडेड में चलो देखते हैं एक्सपेंडेड ट्राई करते हैं। तो एक्सपेंडेड हमारे पास ये मसला हल हो रहा है उससे एक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड के साथ हम करते हैं इसको हमें फ्लेक्सिबल विजिट के अंदर डाल देते हैं। ये जो टेक्स्ट है ना टेक्स्ट टू विजिट है फ्लेक्सिबल विजिट से वो ओवरफ्लो हो जाता है
और वो बाहर जा रहा है। फिट है। अच्छा, तो यहाँ पर हमारा काम जो है ना वो फ्लेक्सिबल विजिट से नहीं हो रहा। तो ये ऑलरेडी एक्सपेंडेड में है, तो इसका हम ये करते हैं कि एक्सपेंडेड है बट इसको हम एक फ्लेक्स देंगे। फिर अच्छा, एक्सपेंडेड अगर आप लोग यूज करते हैं ना, तो एक्सपेंडेड में फिर ये है कि आपने जितने विजिट्स हैं ना उन सबको आपने फिर फ्लेक्स की वैल्यू देनी होगी। सही है कि लेट सपोज मेरे पास अगर ये विजिट है तो इसकी फ्लेक्स वैल्यू कितनी होगी। तो इसको मैं फ्लेक्स देता हूँ, लेट सपोज एक्चुअली जो दूसरा विजिट है वो एक्सपेंडेड में नहीं है, तो यहाँ पर तो बड़ा समस्या बनेगा। तो हम डायरेक्टली एक्सपेंडेड यूज नहीं करते हैं। ये है हमारे पास रोम है, तो इसको मिलेगा एक्सपेंडेड हॉरिजॉन्टली। चलें इसको एडजस्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लेफ्ट पे हमारे पास ये जो आइकन था इसको एडजस्ट करते हैं फर्स्ट। अच्छा, अगर इस आइकन को आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, बल्कि ये हमें टॉप पे चाहिए और ये जो टेक्स्ट है ये भी हमें टॉप पे चाहिए। सही है, तो उसके लिए ये है कि हमारे पास हमने जो ये रो यूज किया हुआ है, तो रो के जो चिल्ड्रन है उसकी जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट हमें किस तरह चाहिए, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट हमें स्टार्ट चाहिए होंगे, तब ये हमारे पास जितने भी विजिट्स हैं ना ये टॉप पे आएंगे। तो इसको टॉप पे लाने के लिए क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट। सही है, तो जितने भी विजिट थे वो हमारे पास बिल्कुल टॉप पे चले गए। अब दूसरा जो है इसमें वो ये है, इसको थोड़ी साइड से हमने पेडिंग देनी है। ये जो विजिट है बुक मार्क का जो आइकन है, तो इसको हम दे देते हैं पेडिंग। सॉरी, ये ऑलरेडी कंटेनर के अंदर है तो इसको मार्जिन दे देते हैं लेफ्ट से। एच इंसर्ट्स नॉट ओनली राइट से इसको मार्जिन देते हैं 20। सही है, अब इसको थोड़ी सी मार्जिन मिल गई है राइट से। अच्छा, अब दूसरी जो बात है वो ये है कि इसको हम एक कंटेनर के अंदर रैप करके ये इसको भी हम थोड़ी सी लेफ्ट राइट से पेडिंग देते हैं, तो ये भी एडजस्ट हो जाएगा। पेडिंग इसको हम देते हैं ओनली राइट से, इसको करते हैं पेडिंग राइट से करते हैं 20 पेडिंग देते हैं इसको। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात है, वो ये है कि ये टेक्स्ट आप लोग देख रहे हैं, ये अब हमारे पास वो कॉलम है। सही है, तो इसमें एक ये टेक्स्ट है, एक ये टेक्स्ट है और एक हमारे पास ये रो है। सही है, अब ये जो टेक्स्ट है इसको अलाइन होना चाहिए लेफ्ट पे और इसको भी लेफ्ट पे अलाइन होना चाहिए। सही है, ये तो ऑलरेडी इसका साइज इतना है कि वो लेफ्ट पे अलाइन हो चुका है, अब इसको भी हमने लेफ्ट पे अलाइन करना है। तो उसका ये है कि हमारे पास जो कॉलम है ना, कॉलम इसकी जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट है वो हमने चेंज करनी है, तो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट एंड कर लें इसको, तो ये आपका एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, तो रिस्टार्ट करेंगे, मैंने एंड कर दिया है इसको। सही है, तो ये आपके बिल्कुल लेफ्ट पे अलाइन हो गए हैं ये विजिट्स दोनों, बल्कि तीनों। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो इसकी स्टाइलिंग करनी है। ये जो टेक्स्ट है इसकी स्टाइलिंग करनी है, इस टेक्स्ट की थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है, तो हम वो करते हैं। स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल एंड इसको हम करते हैं इसका जो साइज है फॉन्ट साइज इसको हम 20 करते हैं, एंड फॉन्ट कलर जो है, अच्छा इसका जो कलर है ना वो हम फॉर टाइमिंग डार्क ग्रीन कर देते हैं। सही है, कलर्स डॉट ग्रीन और ग्रीन में भी थोड़ा सा डार्क। अच्छा,
उसका एग्जैक्ट बनाने के लिए कौन सा कलर यूज कर सकते हैं इसमें। चलो यहाँ से पिक करने की कोशिश करते हैं। लास्ट टाइम तो हमने की थी कोशिश, जो पिक नहीं हुई थी। ओके सो इसको क्या होता है यहाँ पर। ओके आई डोंट नो यहाँ पे क्या इशू चल रहा है इसके साथ, तो टाइमिंग हम यहाँ से कलर पिक नहीं कर सकते। सही है। मैं रैंडम यूज कर रहता हूँ। अगर आपके पास एक सी डिजाइन है तो आप वहां पर प्रॉपर कलर यूज कर सकते हैं। सही डार्क चलिए फोर टाइमिंग इसको हम रखते हैं, ग्रीन कर देते हैं। बाद में आप जो आप लोग इसको खुद अगर चेंज करना चाहें तो इसको चेंज करना चाहिए। मैं जस्ट वो डिजाइन में एडजस्ट कर लेता हूँ इसको राइट नाउ। अच्छा तो ये हमारे पास का टेक्सटाइल हो गया है। उसके बाद हमारे पास एग्जीबिशन है। अच्छा थोड़ा ज्यादा लग रहा है, इसको 15 कर देता है। सही है 15 इज एडजस्टेड नाउ। एंड टेक्स्ट टाइम हम यूज करते हैं इसमें भी, इसको करते हैं 20। इसका कलर ऑलरेडी ब्लैक है। सही एग्जीबिशन देन एंड नाउ। अच्छा इसमें एक और बात है, इसको थोड़ी सी पेडिंग यहाँ से मिली हुई है। ये पेडिंग राउंड अबाउट 15 होगी। तो ये जो हमारे पास जो कॉलम है इसको हमने जस्ट राइट से भी दी है, इसको हम लेफ्ट से भी पेडिंग करते हैं। इसको हम कर देते हैं 20। सही 20 या 10 कर देते हैं इसको, 15 देना। ओके सो दैट्स 15। अब ये जो हमारे पास जो ये जो टेक्स्ट का वीडियो है इसको बिल्कुल एंड पे आना चाहिए, जिस तरह यहाँ पर डिजाइन में दिख रहा। तो उसके लिए हम क्या क्या यूज कर लेते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं स्पेसर। ओके तो ये ओवरफ्लो है। तो इसको जब हम थोड़ा सा स्पेस देते हैं तो ये ओवरफ्लो हो जाता है। सो राइट नाउ व्हाई इज इट ओवरफ्लोइंग। साइज बॉक्स सही है। तो अगर आप 40 इसको दे रहे तो वो बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। बट ये हमारे पास एक्चुअल सोल्यूशन नहीं है कि इसको हम इस तरह कर लें। इसकी वजह क्या हो सकती है? अच्छा और उसकी वजह ये है कि यहाँ पर हमने ये जो विजिट यूज किया हुआ है वो एक्सपेंडेड है, तो एक्सपेंडेड में वो अपने आप को ऑटोमेटिकली एक्सपेंड कर रहा है, वो अपने आप को वर्टिकली भी एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो उसकी वजह से वो हमें हमारे जो वीव है उससे बाहर चला जाता है। तो अगर हम इसको यहाँ से हटा के बल्कि हमारा डिजाइन एडजस्टेड आ रहा है तो फॉर टाइमिंग फॉर नाउ दैट्स ओके ओवर हियर। सही है। अब जो नेक्स्ट था वो बुक मार्क का आइकन था। अच्छा बुक मार्क का तो हमने बैकग्राउंड बना दिया था, उसके अंदर हमने आइकन नहीं डाला। सो यहाँ पर हम इसके चाइल्ड में एक आइकन डाल देते हैं। आइकॉन आइकॉन्स डॉट बुकमार्क
है। तो अगर डिजाइन आप लोग देखना है तो एग्जैक्ट कोड डिजाइन नहीं है, इसको अगर आप इसके कलर्स वगैरह एडजस्ट कर लें तो आपके पास वो डिजाइन बन जाएगा। इसकी थोड़ी सी फॉन्ट वेट भी है, ठीक सही है। एंड साथ में यहाँ पर इसको टॉप से कुछ थोड़ी सी स्पेसिंग मिली है, तो यहाँ पर इसको थोड़ी सी स्पेसिंग मिल जाएगा। साइज बॉक्स एंड हाइट इसको करते हैं 5, सही है। तो आपका जो डिजाइन था वो एडजस्ट। अब ये देखें यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिजाइन और साइज और दिया है, तो ये देखें ये टेक्स्ट हमारे पास नीचे चला गया है, सही है। तो ये मसला होता है अगर आप फिक्स साइजिंग करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक और भी ऑप्शन है इस डिजाइन को एडजस्ट करने के लिए, बट उससे ये होगा कि चलो उसको करते हैं। हम ये करते हैं कि जो हमारे पास ये दो विजिट्स हैं इसको एक और कॉलम के अंदर डाल देते हैं, कॉलम एंड चिल्ड्रन। सही है। तो जो दो विजिट थे उसको हमने एक कॉलम के अंदर डाल दिया है, तो वो हमारे पास एक अलग से सिंगल कॉलम हो जाएगा। एंड इसको हम करते हैं क्रॉस क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट, सही है। वो स्टार्ट में अलाइन हो गए हैं। तो अब ये जो कॉलम था और ये जो रो है इसको हम करते हैं ओके। ये कॉलम और रो को हम क्या करते हैं अभी, जिसमें जो साइज बॉक्स था ये हम हटा देते हैं, सही है। अच्छा अब अगर आपको देख रहे हैं ये ग्रीन जो टेक्स्ट है और साथ में ये एग्जीबिशन का जो टेक्स्ट है, ये टाइटल का जो टेक्स्ट है, सही है। ये दोनों एक कॉलम के अंदर आ रहा है और ये साथ में एक और रो है। तो मैं करता ये हूँ कि यहाँ पर इसका जो जो टॉप का कॉलम है उसमें मैं करता हूँ मेन एक्सिस अलाइनमेंट और मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन, अच्छा एक्चुअली जब आप एक्सपेंडेड यूज करते हैं तो एक्सपेंडेड में मसला ये होता है कि उसको जितनी स्पेस मिलती है उसी में अपने आप को एडजस्ट करता है। लेट सपोज अगर हम इसको साइज ज्यादा देते हैं तो ये ज्यादा ज्यादा एक्सपेंड होगा, सही है। अब स्पेसर का इसमें मसला ये आ रहा था ना कि अब एक्सपेंडेड विजेट है ना ये ऑटोमेटिकली अपने आप को एक्सपेंड करता है, ये जो हमारे पास जो यहाँ पर जो एरिया है ना इससे भी बाहर निकल जाएगा, सही है। तो इसका हल हमारे पास ये है कि हम ये जो रो बना रहे हैं रो, इस रो को हम एक फिक्स हाइट दे दें तो फिर ये हमारा मसला हल हो जाएगा। इस रो को हम करते हैं कंटेनर एंड इसको हाइट देते हैं इसको 150 फिक्स हाइट इसको मिल गई है। अब देखें आपकी साइज ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी, सही है। अब ये है ना आप देखें ये हमारे पास कंटेनर था ना, तो कंटेनर का हाइट कितना है 150। अब ये जो एक्सपेंडेड विजिट है ये एक्सपेंडेड है, ये 150 के अंदर अपने आप को एक्सपेंड करेगा, 150 से बाहर नहीं निकल सकता, सही है। तो इस वजह से जब लास्ट टाइम मैं यहाँ पर स्पेसर यूज कर रहा था तो उसका मसला आ रहा था, सही है। अब अगर लेट सपोज मैं ये कॉलम यहाँ से हटा दूँ और ये विजिट्स उसके अंदर आ गए हैं, तो अब मैं यहाँ पर अगर स्पेसर यूज कर लूँ तो वो स्पेसर भी काम करेगा। लास्ट टाइम स्पेसर काम नहीं कर रहा था, उसकी वजह ये थी कि स्पेसर बहुत ज्यादा स्पेस ले रहा था, क्योंकि एक्सपेंडेड विजिट ना और स्पेसर को तो जितनी स्पेस मिलती है अपने आप को एक्सपेंड करता है, तो वो इनफाइनेटली स्पेस ले रहा था, तो उसकी वजह से यहाँ पर वो इशू आ रहा था। अब ये स्पेस बिटवीन में हटा के मैंने स्पेसर लगा दिया है, अभी ये देखें आपका डिजाइन एग्जैक्टली वही बन रहा है, सही है, जिसको हम लास्ट टाइम करने की कोशिश कर रहे थे। सो दिस इज हाउ आवर डिजाइन इज। अब इसमें एक छोटा सा और काम है वो ये है इसको राउंड करना है, कंटेनर है कंटेनर को आप ऑटोमेटिकली राउंड कर सकते हैं, सही है। अब एक्चुअल जो इमेज की राउंडिंग है वो जब मैं इमेज यहाँ पे ऐड करूंगा तो फिर आपको बता दूंगा इमेज को आप लोगों ने कैसे राउंड करना, सही है। क्योंकि इमेज को राउंड करना और कंटेनर को राउंड करना दोनों में करना डिफरेंट होता है,
अगर आपके पास एक इमेज है कंटेनर के अंदर और कंटेनर है आपने राउंड किया हुआ है तो वो इमेज राउंड नहीं होगा, सही है। वो मैं आपको फिर प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। राइट नाउ आप इतना समझ लें कि यहाँ तक हमारा ये डिजाइन बन गया है, सही। अब इसके कलर्स का थोड़ा सा मसला है, इसके कलर एडजस्ट करते हैं नीचे जो हमारे पास एड्रेस आ रहा है। सो कलर हमारे पास इसका करते हैं कलर, अच्छा इसकी भी स्टाइलिंग कर लेते हैं टेक्सटाइल, इसको हम करते हैं फॉन्ट साइज का रखते हैं इसको 12 एंड फॉन्ट वेट डॉट सेमी बोल्ड करते हैं ना, तो सेमी बोल्ड हमारे पास 600 आ रहा है, W600। तो लेट्स नाउ स्क्रीन बोल्ड और उसका कलर, अच्छा साइज थोड़ा कम है तो उसको हम 14 करते हैं, सही है। एंड इसका हम कलर करते हैं ग्रे। सही, और जो आइकन का कलर है उसको भी हम कलर्स, तो हमने दोनों को चेंज कर दिया है, सही। तो अभी हमारा तकरीबन डिजाइन जो हमने बनाया था तकरीबन उसी तरह बन रहा है, सही है। तो यहाँ तक हमारा जो डिजाइन का मोस्टली काम है यहाँ पर वो हो गया है, सही है। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्वीप है, ये हमारे पास सिंगल एक विजेट है, सही है। अच्छा अब आप लोग को मैंने बताया था ना कि यहाँ पर हमने मल्टीपल विजेट्स यूज करना है, तो अगर मैं ये सेम एक विजेट मल्टीपल टाइम यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ तो ये हमारे पास बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, सही है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं ये इसको उठा के मैं इसका एक कस्टम विजेट बनाता हूँ, सही है। सो यहाँ पर हम इसका कस्टम विजेट बनाते हैं, कस्टम विजेट्स ये हैं, इसको हम करते हैं एग्जीबिशन एग्जीबिशन टाइल, सही है। इसको मैंने एक एग्जीबिशन टाइल का नाम दे दिया है। इसको करते हैं एग्जीबिशन टाइप, ओके एंड यहां से हम उस विजिट को रिटर्न करते हैं, क्लियर। तो वो विजिट मैंने यहां पर उसको मैंने यहां पर शिफ्ट कर दिया, वो उस विजिट का जितना भी कोड था, सही है। एंड मैं इस विजिट को अब वहां पे यूज करता हूँ, लेट सपोज मैंने यहां से शिफ्ट किया था ना उसको, उसको मैंने नाम दिया हुआ है एग्जीबिशन टाइप, ये आपके पास एग्जीबिशन टाइल आ रहा है, सही है। अब मैंने करना है इसको यूज लिस्ट व्यू के अंदर, तो इसको मैं ये जो लिस्ट व्यू है इसके अंदर मैं यूज करता हूँ, जिस तरह मेरा मेरे पास हमारे पास जो ऊपर का लिस्ट व्यू है ना उसमें मैं यूज किया हुआ है इसको, मैंने लेट सपोज कि मैं तीन टाइप यूज करता हूँ यहाँ पर, ये देखें अब आपको नजर आएगा, सही है। अब ये देखें इसका यहाँ पर आप जब इसको स्क्रॉल अप एंड डाउन करेंगे इसका थोड़ा सा मसला आएगा, सही है, क्योंकि हमारे पास टॉप पे भी एक लिस्ट व्यू लगा हुआ है, ये देखें ये लिस्ट व्यू लगा हुआ है। हमारे पास सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू है तो उसकी भी स्क्रॉलिंग है, अब इसकी भी स्क्रॉलिंग है। यहाँ पर आप टैप करेंगे ना यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर आप कोशिश करेंगे ना टैप उसको स्क्रॉल करने की, यहाँ से स्क्रॉल नहीं होगा, सही है। तो इस मसले को रिजोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका जो स्क्रॉलिंग का फीचर है ना इसको हम ऑफ कर देते हैं, ये जो लिस्ट है ना इसका जो स्क्रॉलिंग है उसको हम ऑफ कर देते हैं। तो प्राइमरी प्राइमरी फास्ट का मतलब है इसकी स्क्रॉलिंग हम ऑफ कर रहे हैं, मतलब ये स्क्रॉल फॉलो करेगा फॉलो करेगा जो हमारे पास टॉप का जो विजिट है उसका स्क्रॉल फॉलो करेगा, ये देखेंगे ये यहाँ से स्क्रॉल हो रहा है, सही है। तो ये छोटे छोटे मसले हैं इसको समझना चाहिए। अब जो दूसरा मसला है ये देखें, इसके दरमियान स्पेसिंग वो नहीं मिल रही इसको, तो इसको हम थोड़ी सी स्पेसिंग दे रखे हैं, पेडिंग कब देते हैं इसको, पेडिंग नहीं बल्कि मार्जिन दे देते हैं इसको, मार्जिन एज इनसेट्स डॉट ओनली, या सिमेट्रिक कर देते हैं, सिमेट्रिक मीन वर्टिकल में इक्वल एंड हॉरिजॉन्टल में इक्वल, सही है। मैं वर्टिकल में इसको देता हूँ लेट सपोज 5, सही है। तो अब ये देखें ये दो टाइल्स हैं डिफरेंट, वो अलग अलग आ रहे हैं,
ओके, ये थोड़ा कम लग रहा है तो इसको ऐड कर देते हैं। सही है। अब ये देखें, ये आपके पास वो वर्टिकल लीस्ट व्यू भी बन गया है। ये हमारे पास यहाँ पर था हॉरिजॉन्टल लीस्ट व्यू, अब ये हमारे पास है वर्टिकल लीस्ट व्यू। सही है। अब वो प्राइमरी की बात मैंने कर दी आपको, प्राइमरी हमने इस वजह से पास किया है कि लेट सपोज अगर आप यहाँ पे यहाँ से स्क्रॉल करने की कोशिश करेंगे अगर प्राइमरी इसका एक्टिव होगा तो ये स्क्रॉलिंग में मसला करेगा। सही है। दोबारा मैं करता हूँ इसको, लेट सपोज मैं टू करता हूँ तो मतलब इसकी स्क्रॉलिंग अपनी होगी। सही है। अब जब मैं यहाँ से स्क्रॉल करने की कोशिश करूंगा ना, ये स्क्रॉल नहीं होगा। सही है। ये देखें, स्क्रॉल नहीं हो रहा। अब जब यहाँ से स्क्रॉल करूंगा, यहाँ से स्क्रॉल हो रहा है। सही है। तो इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम फॉल्स कर देते हैं। इसका जो अपना स्क्रॉलिंग है वो फॉल्स हो गया है, और ये सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू था ना, इसका स्क्रॉल फॉलो करेगा, तो हमने ट्रू किया हुआ है। सही है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ तक हमारा जो ये जो मेन डिजाइन के जो मेन स्ट्रक्चर है वो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है। सही। अब एक छोटा सा चेंज हमें चाहिए यहाँ पर, ये नीचे जो एड्रेस है इसको हमें नीचे से थोड़ी सी पैडिंग अगर दे दें तो ये थोड़ा सा एडजस्टेड हो जाएगा। सही है। तो इसको मैं करता हूँ थोड़ी सी मैं पैडिंग देता हूँ बॉटम से, या मैं यहीं पे साइज बॉक्स लगा देता हूँ। साइज बॉक्स, इसको मैं हाइट देता हूँ 8। सही, तभी थोड़ा सा एडजस्टेड है। सो दिस इज आवर डिजाइन फॉर नाउ। अभी तक हमने इसमें कोई लिस्ट यूज नहीं किया, सारा डेटा जो है ना वो स्टैटिक जा रहा है इसमें, बट हमारा जो मेन जो डिजाइन था वो बन गया है यहाँ तक। अब अपने एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करते हैं दोबारा से, और जरा इसको एक नजर देखते हैं। एंड यहाँ तक हमारा जो मेन है, ये हमारा स्प्लैश स्क्रीन था। स्प्लैश स्क्रीन पे हमारे पास कुछ है नहीं तो मैंने उसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है। एंड हियर इज जस्ट, इसको हम चेक नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, तो हमने इस पर कोई वैलिडेशन वगैरह वैलिडेशन की है बट वो जस्ट एम्प्टी और जीरो की है। सही है। अगर आपने एक्चुअल वैलिडेशन अप्लाई करनी है तो आप इसको वैलिडेट कर सकते हैं। यहाँ से लेट सपोज हम लॉग इन हो गए हैं और यहाँ पे हम ये होम पेज पे आ गए हैं। अब यहाँ पे हमने सर्च करना है तो हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। सही है। जो चीज़ आप लोग यहाँ पे करना चाहें तो कर सकते हैं। सही है। सो अंटिल नाउ दिस इज हाउ आवर डिजाइन वॉज, और उसका जो मेन स्ट्रक्चर था यहाँ तक हमारा वो मेन स्ट्रक्चर डिजाइन का बन गया है। सही है। अब यहाँ तक अगर किसी के क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम। अगर जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके क्वेश्चन है तो वो बिल्कुल चैट में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर आपके क्वेश्चन है नो तो आप लोग भी कर यस सकते हैं जो फिजिकल में बैठे हुए हैं। सही। सो व्हाट्स योर क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। तो इन टर्म ऑफ नो क्वेश्चन, एवरी टाइम यू आर हैविंग नो क्वेश्चन, तो इसके हमारे पास दो मतलब हो सकते हैं। एक तो ये है कि आपको सही बिल्कुल समझ आ रही है, और दूसरा ये है कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तो आई डोंट नो कि कौन सा कैसे, बट आई होप सो कि आपको मुकम्मल समझ आ रही है, इस वजह से आपका क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ तक हम जो हमारा सेशन फर्स्ट है उसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम यहाँ तक करते हैं। हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं नमाज के लिए 10 मिनट इंशाल्लाह, और उसके बाद हम वापस आते हैं।